बिरयानी होगी तैयार। जैसे कि आज हम दम बिरयानी बनाने जा रहे हैं, आज हम आपको ए टू जेड दम बिरयानी का सिस्टम दिखाएंगे। दम बिरयानी में क्या डलता है, कैसे बनती है। अभी हम प्याज कटिंग कर रहे हैं, प्याज काटने के बाद आपको दिखाएंगे दम बिरयानी कैसे बनती है। प्याज कटिंग हो चुकी है हमारी, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेंगे अब, और उसके बाद हरी मिर्च भी डालेंगे। पूरे बने रहे हमारे साथ, वीडियो थोड़ा लंबा होएगा मगर आप दम बिरयानी बनाना ज़रूर सीख जाएंगे। प्याज डालने के बाद हम फ्राई कर लें प्याज, उसके बाद हम आपको पूरा दिखाएंगे क्या करना है। बने रहे हमारे साथ। पुदीना पेस्ट हो चुका है, प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम आपको दिखाएंगे पुदीना और डालना है अभी पेस्ट के लिए। थोड़ा कम रह गया था इसलिए हम पुदीने का पेस्ट और बढ़ाएंगे। ये देखिए पेस्ट हम बनाएंगे, उसके बाद हम आपको पूरा ए टू जेड दिखाएंगे। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं आपको लेके प्याज की ओर। प्याज की ओर ले जाएंगे, प्याज फ्राई हो जाएगी पूरी तो हम आपको गोश्त की ओर ले जाएंगे। हमारा गोश्त धुल के तैयार है। गोश्त धुलने के बाद हम आपको इस गोश्त को मिक्स करेंगे मसालों में। अभी सब एकदम जायज़ है, पूरा दिखाता हूँ मैं आपको। प्याज में गोश्त डालेंगे, गोश्त डालने के बाद पूरा ए टू जेड मसाला डालेंगे, सारा मसाला डालेंगे जो जो इसमें डालने का है, अभी दिखाएगा मैं आपको। थोड़ा वेट करो। पुदीना, अदरक, लहसुन, धनिया ये मिक्स करके डाल दिया है हमने ग्लेंडर में। इसके बाद हम मसाले डालेंगे, आपको दिखाएंगे पूरा वो भी। ये दही आ गया है हमारा, मेहरान बिरयानी मसाला। अभी हम इसमें बिरयानी मसाला मेहरान डाल रहे हैं, उसके बाद सब मसाले थोड़े थोड़े डालने हैं, दिखाएंगे हम आपको। सब मसाले डालने हैं थोड़े थोड़े, उसके बाद हम आपको आगे दिखाएंगे क्या करना है। ये हमारे मसाले डल गए, उसके बाद तेल डालेंगे, हम आपको दिखाएंगे। मसाले डालने के बाद ये तेल डाल दिए, नमक वगैरह, नमक वगैरह सब डाल दो एक साथ। जब डल जाएगा इसको हाथ से मिक्स करना है सारे को। अभी दिखाते हैं हम आपको, जीरा, धनिया, लौंग, इलायची, ए टू जेड सब डालनी है, सौंफ वगैरह सब। सौंफ, लौंग वगैरह ये सारी चीज़ डालनी है। सारी चीज़ डल जाएगी, उसके बाद ये मिक्स होएगा। ये देख, जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसको थोड़े टाइम के लिए रख देंगे। जब थोड़े टाइम के लिए रख देंगे ये प्रॉपर तैयार हो जाएगा एकदम। हम आपको दिखाएंगे प्रॉपर जब तैयार हो जाएगा। जाना कहीं नहीं, बिरयानी पूरी खा के जाना आप। थोड़ा इसमें पुदीना और धनिया डालना है काट के, उसके बाद आपको आगे दिखलाएंगे। ताजमहल का चावल इसको डालना है। ताजमहल का चावल है, इंडियन चावल है, अच्छा चावल है। जितना भी चावल आपको पकाना वो इस हिसाब से लेना भाई, ये मैं नहीं कह सकता कितना चावल लेना आपको। उस क्वांटिटी से आपको गोश्त लेना है, जितने बंदे हैं जैसे बनाना है, सही है। आधा घंटे चावल भिगो के रखना है, उसके बाद जब भीग जाए तेल डालो। तेल डालने के बाद अपना बिरयानी अब बनानी शुरू करनी है। तो अब चावल हम दम में लाना है, कच्चा चावल करना है, पूरा नहीं पकाना है एकदम। अभी चावलों के लिए हमें तेल गरम करना है, और जी तेल गरम करने के बाद इसको जीरा, लौंग, तेज़पात का पत्ता ये सब हमें डाल। देखो इसमें तेल में, गरम तेल में हमें ये सब चीज़ डालनी है, जीरा वगैरह, लौंग वगैरह, तेज़पात का पत्ता। जब ये हमारा डल जाएगा उसके बाद हमें चावल डालना है। चावल को डालने के बाद हम आपको दिखा दें
आगे क्या करना है। बने रहो हमारे साथ, जाना कहीं नहीं है। जब ये चावल कच्चा पक्का बन जाएगा ना, पूरा फुल पक्का नहीं बनाना, कच्चा चावल बनाना है, ठीक है। जैसे कि हम पीच उतार देंगे, पीच उतारने के बाद आपको दिखाएंगे तो हमें क्या करना है। चावल को मिक्स करना है। चावल मिक्स करने के बाद गोश्त के अंदर, चावल जो सा हमने गोश्त पहले बनाया था सब मटेरियल, उसमें चावल डाल दिए हैं। अभी हमें इसमें थोड़ा कलर डालना है। पहले कलर डालेंगे जिससे बिरयानी कलरफुल आए। कलरफुल जब आएगी तो बिरयानी क्या अलग ही मज़ा आएगा भाई खाने में। एक कलर डाल लें। कलर डालने के बाद धनिया, पुदीना ऊपर से डालना है, और जी फ्राई प्याज। ये चीज़ जब डल जाएगी तो बिरयानी तो ए टू जेड अच्छी होनी है। जब ये हम डाल देंगे, सब चीज़ लगा देंगे, तो सिल्वर पेपर ऊपर से लगाना है, पूरा पैक करना है। अगर आपके पास सिल्वर पेपर नहीं हो तो ढक्कन लगाओ। ढक्कन लगाने के बाद आपको क्या करना है, आटा घोलो, आटे को चारों तरफ से लगा दो, सील पैक करना है जिससे कि दम अच्छा आए। हमारी बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम खोलेंगे, चलते हैं हम आपको आगे लेके। बस वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, आपको थोड़ी तकलीफ़ हुई होगी देखने में, मगर बिरयानी एक नंबर बनी है। आप सुपरे पे बैठ चुके हैं खाने के लिए। आओ सब लोग खा लो, और हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, कमेंट में बताना बिरयानी कैसी बनी है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ध्यान से। आगे भी हम ऐसी ऐसी वीडियो लाएंगे, और वीडियो शेयर करना नहीं भूलना भाई। बिरयानी की पूरी डिटेल आपको दे दिए, चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलेंगे आपको। आ जाओ, बिरयानी दस्तरखान पर लगा दिए, खा लो भाई खा लो।